चोर और राजा राजस्थान की लोक कथा। किसी जमाने में एक चोर था, वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजस्थान की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एकाएक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि इस शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उनके पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताए कि वो रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वो पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्यवाही शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काट का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया।
जाड़े की रात थी, दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और दो बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वो उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वो साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस मुबाही से और दो तीन बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई चार बजने आए, राजा ने देखा कि न साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर थर कांपने लगा। वो राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल में जो कुछ चुराया था वो सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा।